अगर आप वो जो गाड़ी आ रही है ना उस टाइप की ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते हो, अगर थोड़ा बहुत ही आपका ऑफ रोडिंग का शौक है, अगर घूमना चाहते हो, तो वो इस टाइप की गाड़ी के साथ भी आराम से आपके शौक जो है वो पूरे करे जा सकते हैं। लेकिन ये जो है वो लद्दाख लद्दूख सब कुछ कवर कर चुके हैं। लेते के साथ ही जो है वो दो बार लद्दाख जा चुके हैं। दो बार लद्दाख जा चुके थे, लद्दाख के लिए ली थी क्या? एवरेज मेरे को सिटी के अंदर देती है सर ये 17 से लेकर 20 तक। क्या बात कर रहे हो, एवरेज 17 से लेकर 20 तक। वैसे इसका हैंड ब्रेक तो मैंने लगा दिया लेकिन शायद काम ना करे। देखो पीछे पीछे जा रहा था, गियर में खड़ी कर देते हैं भाई इसको। बहुत बहुत स्वागत है आपका नए वीडियो के अंदर। और आज जो गाड़ी देख रहे हो वो है बुलेरो। बुलेरो जो है वो है नेट जियो वाइल्ड वाली। मजाक कर रहा हूँ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये 1.5 वाली है, पावर प्लस जो है वो है। और कितना शांत इंजन है अंदर से वो भी चल करके देखेंगे। फिलहाल गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है, अंदर जो है वो प्रीतीश बैठे हुए जिनकी ये गाड़ी है। तो पहले एक बार चलते हैं। वैसे प्रीतीश ये बैठे हुए, प्रीतीश बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, पीछे बिठा दिया आपको, आपकी गाड़ी के अंदर है। ओके अब मैंने एसी कर दिया है जीरो। अब ये है एक्चुअल के अंदर जो साउंड आ रही है ना गाड़ी के अंदर, जो केबिन साउंड आती है इसकी इंजन की। 1.5 के अंदर जो है वो केबिन नॉइस जो है वो कम आती है, चलती के अंदर भी थोड़ा सा कम ही आती है, लेकिन 2.5 जो आती थी उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा जो है ना वो आती थी। प्रीतीश भाई ये आपने ली थी 2019 अगस्त में के अंदर ली थी। ठीक है, आपकी गाड़ी इतनी सोबर लग रही है ना बाहर से, इतनी डिसेंट लुक आ रही है भाई। मैं आप लोगों को उतर करके बताऊंगा। वैसे आपको एक बड़ा ही, जिस रोडों के लिए ये गाड़ी बनी है ना वैसा सा अभी थोड़ा सा रोड आएगा, थोड़ा सा यूं होएगी। ठीक है, लेकिन ये जो है वो लद्दाख लद्दूख सब कुछ कवर कर चुके हैं। लेते के साथ ही जो है वो दो बार लद्दाख जा चुके हैं। दो बार लद्दाख जा चुके थे, लद्दाख के लिए ली थी क्या ये, या लेते ही पहले टूरिंग के लिए? अच्छा, क्योंकि पहाड़ों में जाने का पहले से शौक है। पहले जाया करते थे बुलेट से, बलिनो से, ब्रिजा से। अच्छा, तो बलिनो भी लेके गए? बलिनो लेके गया था एक बार मैं। अच्छा, तो उसने मजबूर कर दिया फिर बुलेरो लेने का? हाँ, कुछ जगह थी जहाँ पे नहीं जा पाए इंटेंशनली, मतलब लेके इसको मैं जाता हूँ जहाँ पे उसको लेके नहीं जा पाए। जुलाई अगस्त में जाना पड़ा बलिनो के साथ। इसके साथ मैं दिसंबर में गया हूँ, पिछले साल नवम्बर दिवाली में गया हूँ। ये देखो ऐसे रास्तों पे आराम से जो है ना, कोई बिना दिक्कत के, बिना किसी खेव के जो है, ये सामने से भी बुलेरो ही आ रही है लो। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ बैठते ही एक चीज जो है वो मैंने नोटिस करी थी कि इसका जो क्लच है वो थोड़ा सा लाइट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। रुको रुको रुको, एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। ये है, ये जो चीज है ये मैं ऐसे नहीं लगा करके रखता, हालांकि ये इसका एक फीचर है कि ये मैग्नेटिक है। ये है 1 लैप का गो पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो डिवाइस है ना आपको मेरी गाड़ी के अंदर हमेशा मौजूद मिलेगी। क्यों हमेशा मौजूद मिलेगी दोस्त? क्योंकि ये जो गाड़ी का आपके लोकेशन तो बताती बताती रहती कि कहां पर है, कोई मांग करके लेके जा रहा है या कोई चोरी करके भी लेकर के जा रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कहां पर है। साथ के साथ आपको स्पीड अलर्ट भी देगी, साथ ही इसके अंदर वॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम भी है और आप इसके ऊपर जो है वो कॉल करके पता कर सकते हो कि जी ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ना सिम लगी हुई है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो और जो गाड़ी चला रहा है उसकी बातें भी आप सुन सकते हो कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो। जब आप इसके ऊपर फोन करते हो तो बिना किसी रिंग के आपका ये फोन जो है वो उठा लेता है। और सुनो, ये ओवर स्पीडिंग अलर्ट जो है वो भी देगा। और तगड़ा फीचर भाई ये है कि इसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी आती है जो एक बार चार्ज करने पर आपको लगभग एक महीना बहुत है। साथ के साथ मैग्नेटिक भी है, कहीं पर भी आप रख सकते हो, चिपका करके रख सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं कि 1 लैप की ऐसी 2 डिवाइसेस आती हैं, ये है वायरलेस वाला और जो ये है आपका वायर वाला। मैं दोनों के जो अमेजोन वाले जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जाकर के देखिए कितने तगड़े स्टार मिले हुए हैं लोग जो यूज कर रहे हैं इनको। वैसे इसका यूज जो है वो अदर सेफ्टी रीजंस के साथ भी हो सकता है, जैसे कि छोटे बच्चों के जो स्कूल बैग है वहां पर डाल दो, या जो ज्यादा बड़े बूढ़े लोग हैं उनके पॉकेट वगैरह के अंदर आपने रख दिया तो आपकी एक सेफ्टी बनी रहती है कि कहीं इधर उधर जाते तो आपको पता रहता है कि कहां पर है। सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये डाल दिए हैं इनके लिंक, आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। दूसरी चीज ये कि अभी मेरे को इतना शांत जो कैबिन मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी भाई मेरे को, सीरियसली उम्मीद नहीं थी इस गाड़ी के साथ में कि इतना शांत कैबिन मिलेगा इसमें। सर कोई भी डैम्पिंग नहीं कराई। अच्छा, कोई भी टायर चेंज कुछ भी नहीं, पूरा स्टॉक है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से कैबिन नॉइज इतनी है, ऑलमोस्ट जीरो।
और आपकी टाइम टू टाइम जो है वो सर्विस होती रहती है, टाइम टू टाइम सर्विस होती है, कंपनी से होती है। हाँ, एक बार भी बाहर मैंने कराया नहीं। हाँ। बाहर इनफैक्ट छोटी मोटी दिक्कत होती है वो भी मैं सीधा शोरूम से सर्विस सेंटर से ही कराता हूँ। ये सही है भाई, ये छोटे छोटे मोटे गड्ढे ही हैं इसके लिए तो, बाकी अगर आपके पास दूसरी गाड़ी है तो लगती लगाती जाएगी नीचे से। तो स्कॉर्पियो की तरफ नहीं गए भाई आप? सर स्कॉर्पियो एक तो भारी बहुत है। हाँ। और फैमिली में एक स्कॉर्पियो है, उसकी हालत मैंने देखी है। अच्छा। वो जबकि सिटी में गांव देहात में काफी चली है। हाँ। तो उसकी हालत मैंने 1,00,000 किलोमीटर के बाद देखी है, कितना अच्छा खर्चा मांगती है। हाँ। एक बात इस गाड़ी के अंदर तगड़ी वाली है वो ये कि मेरे भाई इसके अंदर सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत चीप है, दूसरी चीज इसके पार्ट वगैरह जो है वो भी काफी सस्ते आपको मिलते होंगे। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अच्छा सर्विस कॉस्ट एक बार बता दो भाइयों को कि कितनी सर्विस कॉस्ट वगैरह आती है यार इस सर गाड़ी? सर्विस इसकी 4 हो गई है। तो 4 में से एक बार उन्होंने 12,000 के करीब बिल बनाया था। तो वो उन्होंने बनाया था, मैंने बनने भी दिया था। हाँ। उनकी भी गलती नहीं है। अच्छा। उन्होंने नीचे कोई कोटिंग होती है, इंजन कोटिंग। हाँ हाँ हाँ। वो सब बोलते हजार की तो वही आ जाती है भाई। एसी क्लीनिंग, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ करके उन्होंने 12,300 का करीब करा। हाँ। तो मैंने बोल दिया ओके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो बाकी उसके बाद अगर देखोगे तो सर उसके बाद 6,200-6,300 मतलब 6,000 से 6,500 के बीच में सर्विस कॉस्ट है। पेड सर्विस। और एक और बात बताऊं दोस्तों, मैंने देखी है इस गाड़ी की करीबन जो है वो 4,000-4,000 रुपए भी सर्विस कॉस्ट जो है ना वो आ जाती है पेड सर्विस वगैरह। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये तो आप कंपनी की बात कर रहे हो ना, कंपनी के अंदर ही करवाते हो, ये गाड़ी की सर्विस आप कहीं पर भी करवा सकते हो, बाहर भी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका एसी जो है वो 1 नंबर की स्पीड के ऊपर ही काफी तेज हो जाता है, वो चीज हमने देखी है। लेकिन इसके अंदर जो है पीछे कोई भी एसी वेंट वगैरह जो है वो नहीं दिए गए हैं। कैबिन इसकी भी बड़ी सारी है यार, तो एसी से रिलेटेड आगे वालों को तो ठंड पहुंचा देगा, मतलब यार ठंड लगा एसी देगा। बहुत ज्यादा चिल है। लोग बात कहते हैं कि इसका जो एवरेज वगैरह है वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं दिखाती है। सर एवरेज इसमें ना, ये SLX मॉडल है बीच वाला, तो इसमें जो बाकी सब क्विक स्क्रीन होती है वो इसमें नहीं दे रखी, तो एवरेज मैंने टैंक टू टैंक नोटिस किया है। हाँ। और पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ। हाँ। एवरेज मेरे को सिटी के अंदर देती है सर ये 17 से लेकर 20 तक। क्या बात कर रहे हो, एवरेज 17 से लेकर 20 तक, ये सबसे बड़ा। मैं भी शॉक हो गया था पहली बार जब मैंने निकाली, पहली बार मेरे को उसने दी थी 16.6 की। हाँ। जब मैंने निकालना शुरू करा, इतनी बड़ी गाड़ी है यार। और अभी क्या निकाल लेते हो फिर यार, हाईवे पे निकलती है सर 21 तक, 20 से 21 के बीच में, मतलब एक मोटा माटी हिसाब किताब 18 के आसपास। 18 के आसपास। एक ऐसी स्पीड जिसके ऊपर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चला रहे हो लगातार, ठीक है कि चलाते रहोगे, अगर इनकेस कोई चीज आ भी जाती है तो आराम से इसको रोक लो। 100 के आसपास। इस गाड़ी के अंदर जो है सबसे खास बात क्या है दोस्तों, की लो एंड टॉर्क बड़ा बढ़िया है इसके अंदर, ठीक है। इस हिसाब से आप अगर थर्ड गियर या फोर्थ गियर के अंदर भी अगर स्पीड आपकी लो हो रही है और वो सारी चीज, तो उठ जाती है, आराम से उठ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। इसका जो टर्बो एक्टिवेट होता है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन उसकी रेंज जो है ना वो भी थोड़ी सी कम ही दी गई है, तो बड़ी जल्दी ही इसका टर्बो जो है वो थोड़ा सा दम भी तोड़ जाता है। अगर तेज स्पीड के ऊपर आप चला रहे हो तो एक सर्टेन स्पीड के बाद जो है आपको वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन उस एक जो कम स्पीड तक पहुंचने के लिए बड़ा जल्दी चली जाती है, मतलब 80-90 तक तो जो है बड़े आराम से प्यार से खिंच जाएगी। लेकिन अगर आप इसको टूरिंग पर्पज के हिसाब से ले रहे हो, कहीं घूमने फिरने के लिए ले रहे हो, तो फिर सही है। आप कहाँ इतना चलाते हो, मतलब 100 से ऊपर 100 अबोव आप कभी चलाते हो? बहुत रेयरली होता है सर, है ना? बहुत रेयरली होता है। तो एक बार फिर से हम लोग जो है वो पहाड़ों की तरफ आ गए हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। भाई से हम बात कर रहे थे, बात बातों में पता चला कि हाँ, ये कह रहे थे कि एक दो जगह इनको फील हुआ कि भाई हाँ 4x4 होती तो ज्यादा बढ़िया होती, ज्यादा बेहतर होती। तो ये खुद से ही बताना चाहेंगे कि हाँ किस जगह पर इनको फील हुआ था एक्चुअली कि यार 4x4 अगर हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो एक बार बताइए भाई कि कैसे। सर, हम एक्चुअली गए थे लास्ट दिवाली पे पिछले साल 2021 में लद्दाख। ओके। तो हम जिसपा पे रुके थे, अगले दिन हमें जाना था लद्दाख सीधा। हाँ हाँ। तो हम फंस गए थे शिंकुला पास पे। अच्छा। हमें रूट लेना था शिंकुला जंस्कार वाला। हाँ हाँ।
क्योंकि वो कभी एक्सप्लोर किया नहीं था। अच्छा। और शिंकुला पास पे 1.5 किलोमीटर पहले काफी हैवी स्नोफॉल थी, आर्मी के बैरिकेडिंग लगे थे वहाँ पे, मना कर दिया था जाने से हमें एक दिन पहले। तो हम अगले दिन समहाउ, हम और एक अर्टिगा वाला भी था गुड़गांव का, तो वो हम चले गए बैरिकेड को पार करके। तो अनलकीली वहाँ पे हम जाके फंस गए। अर्टिगा 7-8 किलोमीटर पहले से ही वो यू टर्न लेके चली गई जी, जी। तो हमें पता था हम फंसेंगे, पर हम जाते रहे जहाँ तक जा सकती थी। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि अंधेरा हो गया और टेम्परेचर पहुँच गया -28-27 उधर, 5-5, 6-6 फीट बर्फ में। उस टाइम लगा था कि अगर 4x4 होती तो हो सकता है कि निकल पाते। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब आप इस टाइप की अगर हो ना आपके पास सिचुएशन हो, तो आपके पास पूरे के पूरे ऑफ रोडिंग के जो चीजें हैं ना वो चीज मौजूद होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि भाई ने अपनी स्टोरी शेयर करी, लेकिन इनसे इस चीज से इनको भी सबक मिला, आपको भी लेना चाहिए कि जबरदस्ती अगर कोई मना कर रहा है तो कहीं पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और खासतौर पर अगर आपके साथ में फैमिली वगैरह है तो फिर आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है। लेकिन यार कोई भी अगर क्यों जाए, है ना भाई? बिल्कुल, ये अगर कोई मना कर रहा है तो नहीं जाना चाहिए उस तरफ, ठीक है। वो हमने अननेसेसरी पंगे लिए थे सर। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपने बताया कि आपने थार को तक को टो किया है। मैंने थार को टो किया हुआ है सर, मैंने अर्टिगा को टो किया, अर्टिगा चलो नॉर्मल है, मैंने थार वाले को टो किया हुआ है। अच्छा, थार वाले को टो किया है मैंने कॉमिक में, वहाँ पे उनकी यही BS6 थार। ऑफ रोडिंग जो है ना वो गाड़ी से ज्यादा आपके स्किल के ऊपर जो है ना वो डिपेंड होती है, ठीक है, कि आप कितने ज्यादा आप स्किल्ड बंदे हैं, कि आप लोग वो धीरे धीरे आती है। ऐसा नहीं आता कि आपने गाड़ी ले ली तो आप प्रो ड्राइवर हो गए, नहीं भाई ऐसा चीज नहीं होती है, ठीक है। आप जब तक वो सिचुएशंस को फेस नहीं करोगे ना, आप फेस नहीं करोगे, ठीक है, वो फेज नहीं आएगा अगर आपकी ड्राइविंग के अंदर कभी भी, तो फिर वो सीख नहीं पाओगे। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आज के दिन 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है कोई बंदा, आप रेकमेंड करोगे ये गाड़ी? सर 100% अगर उसको इमेज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी इमेज थोड़ी नो डाउट पैसेंजर गाड़ी वाली है। हाँ। लोगों का माइंडसेट भी वैसा है, मैंने अपने घर में बड़ी लड़ झगड़ के लिए है। हाँ हाँ। स्ट्रिक्ट मना कर दिया था घर वालों ने कि हाँ। कोई और ले ले, लेनी तो थार ले ले, घर वाले इसके लिए भी रेडी थे। अच्छा। पर मेरा एक कीड़ा था कई सालों का कि एक बार लेनी है तो बोलेरो ही लेनी है। नॉर्मल सिटी में चलाने वाला बंदा क्या देखता है, 10 लाख का अगर बजट होता है तो एवरेज इसकी मैं निकालता हूँ 19 तक। लेकिन नॉर्मल सिटी में चलाने वाला बंदा यार कंफर्ट भी देखता है। सर कंफर्ट अगर जिसकी पहली गाड़ी है वो तो ले सकता है, अगर कोई इसको लग्जरी गाड़ी चला के लेगा फिर उसको थोड़ा लगेगा। इसके अंदर आपको स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा अगर सीटी के हिसाब से ले रहे तो फिर थोड़ा सा हैवी भी लगेगा आपको, ठीक है। क्लच जो है वो आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा, थोड़ा सा वाइब्रेशन की आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है, आपको गियर नोब के ऊपर हो गया, स्टीयरिंग के ऊपर हो गया, ठीक है, ये वाली चीजें। तो ये जो रॉनेस है ना इस चीज की, अगर आपको आदत नहीं है तो फिर आपको अखरेगी गाड़ी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे जुड़ाव है, इससे लगाव है, तो फिर आपको अच्छी लगेगी, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा आप इसको बॉडी रोल जो है वो भी मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उतना ज्यादा इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। सर कंफर्ट भी इतना बुरा नहीं है, जैसे मैक्सिमम इसको मैंने 30 घंटे लगातार चलाई है। अच्छा, 30 घंटे? 30 घंटे एग्जैक्ट, 30 घंटे मैंने लगातार चलाई है काजा से लेकर गुड़गांव तक, नॉन स्टॉप। और सिर्फ काजा से नहीं, हम सुबह उठे काजा से, हमने किया किब्बर कॉमिक लांगजा, उसके बाद सीधा हम वापस काजा आए, डीजल डलाया और निकल पड़े गुड़गांव के लिए। इस गाड़ी के अंदर क्या है कि हमने बस सिर्फ सोचा और तुरंत उतर गए, दूसरी गाड़ियां होती तो उसमें देखते नीचे उतर के देखते यार उतारे ना उतारे क्या चीज है, ये सुख है इन गाड़ियों का। तो आपको एक बार गाड़ी जो है वो बाहर से दिखा देते हैं कि यार गाड़ी जो है वो दिखाई कैसी देती है। जितना आप सिंपल रखोगे ना इस गाड़ी को, उतनी ही ज्यादा सोबर भी, इतनी ही ज्यादा जो है वो अच्छी दिखाई देगी आप। वैसे इसका हैंड ब्रेक तो मैंने लगा दिया लेकिन शायद काम ना करें, देखो पीछे पीछे जा रहा था, गियर में खड़ी कर देते हैं इसको। बिल्कुल जो है वो एकदम चौकोर शेप की ये गाड़ी आती है, आप सभी को पता ही है वैसे, ठीक है। और भाई ने इतनी सिंपल रखी हुई, इतनी स्टॉक गाड़ी रखी हुई है कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये गाड़ी तब की है जब इसका जो है वो बोनट जो है वो सॉरी ये बम्पर जो है वो छोटा करा गया था, छोटा करके इसको सब 4 मीटर के अंदर जो है लाए गए थे, ठीक है।
टायर वायर जो है वो इन्होंने चेंज नहीं करे हैं, इन्होंने सिर्फ एक दो स्टिकर्स जो है वो लगाए हैं नेशनल ज्योग्राफी एडवेंचर वगैरह के ये वाले, तो ये कहीं ना कहीं इसकी लुक को जो है वो थोड़ा सा जरूर बढ़ा देते। पावर प्लस आप देख ही रहे होंगे, इसका भाई ने जो है वो रूफ रेल वगैरह भी जो है लगवाई हुई है, साथ के साथ स्पॉइलर वगैरह जो है वो भी लगवाया हुआ है, आप देख रहे हैं। अगर आप वो जो गाड़ी आ रही है ना उस टाइप की ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते हो, अगर थोड़ा बहुत ही आपका ऑफ रोडिंग का शौक है, अगर घूमना चाहते हो, तो वो इस टाइप की गाड़ी के साथ भी आराम से आपके शौक जो है वो पूरे करे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो है वो बुलेरो के ऊपर, और बुलेरो के ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो आपके ऊपर डिसीजन जो है आपका है, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम क्या कहेंगे कि अगर आपको घूमने फिरने का शौक है डेफिनेटली इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। रफ टफ अगर आपको गाड़ी चाहिए डेफिनेटली इस गाड़ी के ऊपर आप जा सकते हो। इस टाइप की कोई गाड़ी मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर है भी नहीं इतने प्राइस के अंदर ही, ठीक है। इसके अलावा कौन सी गाड़ी के ऊपर जा सकते हो, इन्हीं की खुद की आती है, वो भी बुलेरो नाम ही हो गया आजकल उसका, बुलेरो नियो जो है उसके ऊपर जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा कम्फर्ट ज़्यादा चाहिए, अगर आपको अंदर बैठ करके फील थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, और अगर आपको थोड़ी सी जो ये तो फिर भी थोड़ा सा कमर्शियल यूज़ वाली जो है वो लगती है, अगर आपको थोड़ा सा उस टाइप की नहीं लेनी फील तो उसके ऊपर जाया जा सकता है। थैंक यू सो मच आप आए प्रीतिश भाई, ठीक है। और तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक तो कर ही देना, शेयर भी कर देना, और अगर इसी मैसेज के साथ कि फोर व्हीलर अगर चलाते हैं सीट बेल्ट जरूर डाल लिया करो, अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लिया करो। जय हिंद जय भारत। वीडियो के बीच में मैंने आपको इस डिवाइस के बारे में बताया था, आपने अभी देखा कि नहीं देखा, कम से कम देखो तो जा करके एक बार।